हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और बच्चों, हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं। कंटिन्यूटी में रिवीजन ऑफ लिमिट यानी जो हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ने वाले हैं उसके बेस को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कंटिन्यूटी में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, किसका? लिमिट्स का, जो 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो आज हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूले देखेंगे जो लिमिट सॉल्व करने में यूज होता है। और सारे फॉर्मूले को हम लोग देखने वाले हैं जो लिमिट सॉल्व करने में यूज करेंगे। 11th क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन का लिमिट सॉल्व करना सीखा था, और वहां पर 11th में हम लोग डिटेल में सॉल्व किए थे, डिटेल में लिमिट सॉल्व करना सीखा था। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट सॉल्व किया था, तो दो या तीन दिन तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिमिट के बारे में पढ़ा था। वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फॉर्मूले हैं वो यूज हुआ था। इसी तरह से लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था और लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा था। इसी तरह से लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वगैरह पढ़ा था। वहां 11th क्लास में सारे चीज हम लोग एक एक करके सॉल्व किए थे और देखे थे। लेकिन यहां पर 12th क्लास में अपन को कंटिन्यूटी पढ़ना है, और कंटिन्यूटी पढ़ना है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग रिविजन कर ले रहे हैं थोड़ा सा, है ना। तो आज देखिए रिविजन ऑफ लिमिट में फॉर्मूला। बच्चों, हम लोग फॉर्मूला को देख रहे हैं अभी। देखो फॉर्मूला में ये चीज हम लोग लास्ट क्लास में इस फॉर्मूले को ड्राइव किया था कि अगर एक्स टेंस टू ए है और x पे पावर n माइनस a पे पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a गिवन है, तो फॉर्मूला होता है n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। अगर बच्चों आप x के जगह पर ये रख देते हो तो ये 0/0 फॉर्म बन जाता है। तो इस फॉर्मूले के बारे में इसका क्वेश्चन भी लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। आप लोग 11th क्लास में इस फॉर्मूले को पढ़ चुके हो। क्या पढ़ाया बच्चों कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बटे एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स बटे एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन इनवर्स एक्स बटे एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन इनवर्स एक्स बटे एक्स, और सभी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। आने कहने का मतलब बच्चों यहां पर क्या है कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको इस फॉर्म में दिख रहा है, जैसे हम लोग साइन की बात करें तो लिमिट पुट करने के बाद जब साइन 0/0 हो जाए कभी ना, तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। मैंने क्या बोला कि लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करो, और यहां भी 0 बन जाए, यहां भी 0 बन जाए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। लेकिन एक कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन ये है कि जो यहां बैठा है साइन के गोद में वही कहां रहना चाहिए, नीचे। पहली बात सुनो, ये जितना भी है ये दिख रहा है इस लाइन में आपको, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में जो बैठा है वही कहां होना चाहिए, डिनोमिनेटर में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लिमिट पुट कर देने के बाद गोद में जो बैठा है वो भी 0 हो जाना चाहिए और नीचे भी 0 हो जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब, जैसे साइन के गोद में x है, तो अगर ये मैं यहां पर देखो साइन के गोद में x है तो नीचे भी x है, मतलब जो यहां है वही यहां है। अब सेकंड बात क्या है कि लिमिट पुट कर देते हैं, जैसे यहां लिमिट क्या है, x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये कैसा बन जाएगा, यहां भी 0 और यहां भी 0, तब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके लिए, और इसी प्रकार से इसके लिए, और इसी प्रकार के इसके लिए। अरे, और बढ़िया से इसको समझना है तो देखो यहां पर, देखो पॉइंट नंबर 3 में, यहां पर मैं एक साइन का केवल लेके दिखाया है कि साइन के गोद में देखो आप एफ एक्स है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, एफ एक्स। लेकिन यहां लिमिट एक्स टेंस टू ये, देखो एक्स टेंस टू 0 नहीं, एक्स टेंस टू ये है। तो अगर बच्चों कुछ भी लिमिट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन के गोद में जो है वही नीचे रहना चाहिए, और लिमिट पुट कर देने के बाद ये भी 0 बनना चाहिए और ये भी 0
बनना चाहिए। अगर ये भी जीरो बन जाता है लिमिट पुट करने के बाद और ये नीचे वाला भी जीरो बन जाता है, तब वैल्यू इस लिमिट का कितना हो जाएगा, वन। इसीलिए मैंने देखो परिभाषा में क्या लिखा है, ये फॉर्मूला में क्या लिखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स इक्वल टू वन इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर जीरो। मतलब एक्स टेंड्स टू ए है ना, यहाँ पर एफ एक्स की जगह जब एफ एक्स में लिमिट पुट करेंगे तो ये भी जीरो बन जाए, ये भी जीरो बन जाए, तो वैल्यू क्या हो जाता है, वन। यही तो अभी भी बताया मैं आपको, यहां पर भी वही समझाया है। अब देखो नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर है बच्चों, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लिमिट, आप लोगों को मालूम है क्या था, ए टू द पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स। यानी कहने का मतलब बच्चों जो ऊपर में है वही कहां रहना चाहिए, नीचे। पहली बात, जो ए के कपार पे है वही कहां होना चाहिए, नीचे, और यहां माइनस वन हमेशा होना चाहिए। तो इसका वैल्यू जो हो जाता है वो लॉग ए हो जाता है, ये जो कांस्टेंट है, ये बेस जो एक्सपोनेंशियल का वो लॉग ए हो जाता है। यहां पर भी कंडीशन है कि बच्चों जब लिमिट पुट करोगे तो ये दिख रहा है मैं सर्कल से जो कर दिया, ये तो एक सेम होना चाहिए, पहली बात कि ये दोनों तो सेम होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट कि लिमिट पुट करने के बाद ये भी जीरो बन जाना चाहिए और ये भी जीरो बन जाना चाहिए, तभी लॉग ए लिखेंगे। इसी फॉर्मूला में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये वाला कि बच्चों लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन बटे एक्स कितना होता है, वन। अगर ए के जगह पर ई आ गया तो वैल्यू कितना हो जाता है, वन हो जाता है। और हम लोग जानते हैं क्या लॉग, ये लॉग ई होता है, जैसे ई आ गया ए के जगह पे तो लॉग ई होता है, एल एन ई, और एल एन ई का वैल्यू कितना होता है, वन होता है। वही चीज में देखो इसको जेनरलाइज फॉर्म में लिखा, इन जनरल में अगर हम इस फॉर्मूले को लिखें इन जनरल, तो देखो क्या आएगा, ये दिख रहा होगा आप लोग को इन जनरल में, देखो इसको देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, देखो जीरो नहीं है, ये ले लिया ए टू द पावर एफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एफ एक्स, ए टू द पावर एफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एफ एक्स। मतलब ये के कपार पे जो है वही नीचे है, और जो है दोनों सेम, उसका वैल्यू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी लिमिट पुट कर देने के बाद ये भी जीरो बन जाए और ये भी जीरो बन जाए तो आंसर क्या हो जाता है, लॉग ए हो जाता है। हाइट नंबर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन प्लस एक्स पे पावर वन बाय एक्स, तो इसका वैल्यू बच्चों ये होता है, क्या होता है वैल्यू, ये होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन प्लस एक्स का होल पावर कितना, वन बाय एक्स, तो इसका वैल्यू ये होता है। या तो अगर देखो एक्स टेंड्स टू जीरो, अगर इस टेंड्स टू जीरो के जगह टेंड्स टू इंफिनिटी आ जाए तो ये एक्स के जगह पर यहां क्या रहना चाहिए, वन बाय एक्स, और पावर में जैसे वन बाय एक्स है उसके जगह पर एक्स, तो इसका भी वैल्यू कितना होता है, वन। और लास्ट है बच्चों सिक्स नंबर के, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो आप लोग को पता है ln 1 प्लस एक्स बटे एक्स, यहां पर भी देखो जो यहां चीज है वही यहां रहना चाहिए, और फर्स्ट थिंग क्या है, जो यहां है वही यहां रहना चाहिए। सेकेंड चीज है कि लिमिट पुट करने के बाद ये भी जीरो बन जाए, ये भी जीरो बन जाए, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन का लिमिट इस तरह से क्या हो जाता है, वन हो जाता है। लेकिन बच्चों यहां देखो, यहां हमेशा वन प्लस बनाओगे, जैसे अगर मैं इसको जनरल में बात करूं तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ln ऑफ 1 प्लस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स, देखो ध्यान से जो यहां पर है वही यहां है, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। लेकिन कब, व्हेन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर कितना बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। आनी कहने का मतलब ये तो दोनों सेम रहना चाहिए, ऐसे सीखो, ये दोनों सेम हो जाए, ये दोनों सेम हो जाए, और एक्स जब लिमिट पुट कर दे तो ये भी जीरो बन जाए, ये भी जीरो बन जाए, तो इस ऐसे लॉगरिथमिक फंक्शन का लिमिट कितना हो जाता है, लिमिट का वैल्यू क्या हो जाता है, वन हो जाता है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको सबसे पहली बात है कि वीडियो पॉज कर लो और इस चीज को कॉपी करो, सारे फॉर्मूले कॉपी कर लो।
ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन एग्जांपल हम लोग देखते हैं, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यू इनटू cot x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x है, ठीक है। देखो बच्चों, यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, आप लोगों को पता है कि cos यहां दिख रहा है और cot दिख रहा है, तो cos और cot का कोई फॉर्मूला नहीं था लिमिट में, किसका था, sin x बटे x, tan x बटे x का। तो ये cot x को हम लोग लिख सकते हैं क्या बच्चों, cot x को लिख सकते हैं क्या, cot x की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 by tan x, लिख सकते हैं। तो अगर 1 by tan x लिख दूं cot x की जगह, तो यहां हो जाएगा बच्चों tan x into 1 minus cos x, बिल्कुल सही बात है। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटे x कितना होता है, 1 होता है। तो tan x तो यहां दिख रहा है, इसके नीचे अगर x दिख जाए और लिमिट x टेंड्स टू 0 है ही, लिमिट x टेंड्स टू तो 0 है ही, tan x बटे x दिख जाए तो हम बराबर कितना लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यू डिवाइडेड बाय 10x और 10x x से डिवाइड कर दिया 10x को, इस 10x को x से डिवाइड कर दिया ताकि ऐसा बन जाए। अब अगर बच्चों खुद से x से डिवाइड किया तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या चीज कि अगर हम लोग किसी से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो उस नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, इनटू 1 माइनस cos x ये दिख रहा होगा, ठीक है। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 है और tan x बटे x जो ये दिख रहा है इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और ये x से एक x कट जाएगा, स्क्वायर रूट गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 अब बचा क्या बच्चों, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये तो 1 बन गया, 1 माइनस cos x बचा केवल, समझ आ रही बात। अब देखो बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर 1 माइनस cos x को लिख सकते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर x बाय 2। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, 1 माइनस cos x होता है 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 और 1 प्लस cos x होता है 2 इंटू cos स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस cos x को क्या लिखोगे, 2 इंटू साइन स्क्वायर x बाय 2। तो बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 आप देख सकते हो यहां पर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब आपको साइन दिख रहा है तो हम लोग को यह भी मालूम है कि 1 किसके इक्वल भी होता है, x टेंड्स टू 0 sin x बटे x। तो यहां साइन स्क्वायर है मतलब साइन दो बार है, देख सकते हो आप, साइन x बाय 2 है इंटू साइन x बाय 2 है, ऐसा लिख सकते हो इसको। अब एक काम करते हैं बच्चों, हम लोगों ने क्या सीखा कि जो साइन के गोद में है वही रहना चाहिए नीचे भी, तो यहां साइन के गोद में है x बाय 2, तो हम क्या किए, x बाय 2 से यहां डिवाइड कर दिए, इसी तरह से x बाय 2 से यहां डिवाइड कर दिया। अब अगर हम लोग डिवाइड किए बालक, अगर हम लोग x बाय 2 से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करते हैं बैलेंस करने के लिए, तो x बाय 2 इंटू x बाय 2 दो बार। अब देखते हैं कि अगर लिमिट का वैल्यू x टेंड्स टू 0 है, लिमिट जो है x टेंड्स टू 0 में है, तो x की जगह अगर 0 रखते हैं तो साइन के गोद में भी 0 बन जा रहा है, यहां भी 0 बन जा रहा है, यहां भी 0 बन रहा है, यहां भी 0 बन रहा है, मतलब इस फॉर्मूले को फिट कर रहा है जिसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो बच्चों ये क्या पूरा 1 हो गया, और ये देखो 2 से 2 ये कट रहा है, ठीक है, और ये x स्क्वायर है ना, इससे और इससे कट गया और ये पूरा 1 बन गया, और पूरा 1 बन गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 केवल आपके पास बचा है ये 1 बाय 2 केवल बचा है, देखो कट गया सब, केवल 1 बाय 2 बचा है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, और इस तरह से इसका वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया, राइट। दोनों आप लोग कॉपी कर लो, पॉज करो वीडियो और इसको लिखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल। दो चार क्वेश्चन में करवा दे रहा हूं लिमिट का, ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि इस सब का यूज कहां होने वाला है, कंटिन्यूटी में यूज होगा बच्चों, कहां यूज हो जाएगा, कंटिन्यूटी में।
जैसे बच्चों सॉल्व करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 2 प्लस x इंटू साइन 2 प्लस x माइनस 2 साइन 2 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय क्या x। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। अगर तुम डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। आप पुट करके देखो 0/0 बन रहा है, क्या बन रहा है 0/0 बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल। चलो बच्चों इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो साइन 2 प्लस एक्स को एक्सपेंड कर दो। चलो पहले ना इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू साइन 2 प्लस एक्स प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अब x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू साइन 2 प्लस एक्स माइनस 2 साइन 2 और डिवाइडेड बाय बच्चों x। कोई परेशानी नहीं। अब यहां पर आप एक काम कर सकते हो, इसमें और इसमें देखो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, आ रहा है 2 कॉमन। तो बच्चों हम ऐसा करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 ये 2 कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा साइन 2 प्लस एक्स और यहां क्या बचेगा माइनस साइन 2 प्लस एक्स इंटू साइन 2 प्लस एक्स एंड डिवाइडेड बाय एक्स। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको एक्सपेंड कर दो साइन ए प्लस बी फॉर्मूला लगा के, या साइन सी माइनस साइन डी लगा दो। तो मैं सोच रहा हूं यहां साइन सी माइनस साइन डी लगाना चाहिए क्योंकि थोड़ा छोटा हो सकता है, और साइन सी माइनस साइन डी जो होता है बच्चों 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है, यू नो वेरी वेल, है ना। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो ये साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। चलिए अप्लाई करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 बच्चों 2 इंटू, आप देखो फिर 2 आएगा यहां लगा रहे हो तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, इसको और इसको जोड़ोगे बच्चों इस और इस एंगल को जोड़ोगे तो 4 प्लस एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई 2 इंटू साइन, अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x बाई 2 प्लस एक्स साइन 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x। अब बच्चों ये देखो अब ये 0 बन रहा है कैसे, x टेंड्स टू अगर 0 है तो x का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो ये वाला साइन 0 बन जाएगा, और यहां मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना ये 0 बन रहा है इस साइन की वजह से, और ये वाला जो पोर्शन है 0 बन रहा है इसके वजह से नहीं, साइन की वजह से यहां 0 नहीं बन रहा है। अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो साइन 2 आता है, ठीक है, x का वैल्यू 0 पुट करने से ये 0 नहीं बन रहा है, इसके वजह से 0 बन रहा है। तो अगर हम इसको अलग अलग कर दें तो ये x और x कट जाएगा, जो 0 बन रहा है, जो 0 बना रहा है वो खत्म हो जाएगा, और यहां देखो साइन x बाय 2 और x बाय 2 लगा देंगे तो यहां फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम यहां पर अलग अलग कर सकते हैं बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 ये 4 हो गया इंटू कॉस 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाय, देखो बच्चों यहां x ले लिया अलग, इसी तरह प्लस लिमिट लिख सकते हैं x साइन 2 प्लस एक्स बटे एक्स। अब एक बात सुनें, अगर यहां x बाय 2 है साइन के गोद में तो यहां भी x बाय 2 बना सकते हैं, कैसे 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। ये देखो 2 2 जा 4 कट गया, अब बात क्या हो रहा है ये दोनों मिल करके कितना बनाएगा 1 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, कि अगर साइन x टेंड्स टू 0 है और साइन x बटे x क्या होता है 1 होता है, अगर ये भी और ये भी सेम है और यहां लिमिट पुट करने के बाद 0 बन जाए तो, देखो यहां और यहां सेम है और लिमिट पुट करने के बाद ये भी 0 बन रहा है और ये भी 0 बन रहा है तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो आपके पास जो यहां बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 वो केवल बचेगा 2 cos
4 प्लस एक्स बाई टू, और यहां देखो एक्स एक्स उड़ गया, अब एक्स का वैल्यू जीरो पुट कर दो तो साइन टू प्लस जीरो बन गया। लेट्स सी बच्चों इधर, अब यहां पर भी एक्स का वैल्यू जीरो पुट कर दो तो टू कॉस फोर प्लस जीरो डिवाइडेड बाई टू, फोर प्लस एक्स का वैल्यू जीरो डिवाइडेड बाई टू प्लस साइन टू, ये टू टू जा कट गया बच्चों तो टू कॉस टू प्लस कितना आ गया बच्चों साइन टू, ये आपका क्या हो गया आंसर, आपका ये क्या हुआ बच्चों आंसर हो गया, देख सकते हो आप। चलो कॉपी कर लो, मैं बोला इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे, कैसे, ये साइन ए प्लस बी फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपेंड कर देता, आप तो यही एक्सपेंड कर देते साइन ए प्लस बी और उसके बाद मल्टीप्लाई करते फिर सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मे बी वो लेंथी चला जाए। ठीक है चलो बच्चों, कुछ क्वेश्चन और है ट्रिग्नोमेट्री का, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो सॉरी पाई बाई टू सेक एक्स माइनस टेन एक्स। अब बात रही बच्चों कि अगर यहां डायरेक्ट एक्स की जगह पाई बाई टू पुट करते हैं तो सेक पाई बाई टू कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, और टेन पाई बाई टू भी इन्फिनिटी होता है, मतलब ये जानते हो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, कैसा फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है बच्चों। तो जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए ना तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको साइन और कॉस में चेंज करो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, देखो इसमें दो चीज है कि अगर एलजेब्रिक फंक्शन है और इस फॉर्म बन रहा है, एलजेब्रिक फंक्शन है और ऐसा फॉर्म बन रहा है, तो एक तो पढ़ा था रेशनलाइजेशन में, इरेशनल फंक्शन में रेशनलाइज करते हैं, और दूसरा चीज है कि एलसीएम ले लो, क्या ले लो एलसीएम, ताकि ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाए, या दूसरा तरीका ये है अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप क्या करो कन्वर्ट कर दो इनटू साइन कॉस में एंड टेक एलसीएम, उसके बाद एलसीएम ले लो, और जैसे एलसीएम ले लोगे तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म में आ जाएगा, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम एलसीएम लेते हैं, सॉरी सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करें साइन कॉस में, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू सेक एक्स को लिख सकते हैं वन बाय कॉस एक्स माइनस टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स बटे cos x, finish, limit x tends to 0, x tends to pi by 2, cos x, LCM आया, और 1 minus sin x, अब देखो, sin pi by 2 होता है 1, तो 1 minus 1 0, और cos pi by 2 होता है 0, ये क्या 0 by 0 form में आ गया कि नहीं, जो infinity by infinity form में था, वो 0 form में आ गया, अब बच्चा आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, कि यहां अगर limit x tends to 0 रहता, तो मजा आता कि नहीं, अगर लिमिट यहां एक्स टेंड्स टू जीरो रहता तो मजा आता, लेकिन लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू है बच्चा, और अगर बच्चों लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू है तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स टेंड्स टू जीरो में, क्या करो आप पुट कर दो एक्स की जगह पर पाई बाय टू प्लस एच, ऐसा कन्वर्ट करने सीखा है कि नहीं भाई, हम लिमिट को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें टेंड्स टू जीरो में, क्या करना होता है एक्स की जगह पर पुट कर दो, जैसे यहां ए रहता तो ए प्लस एच, अगर यहां बी रहता तो बी प्लस एच, यहां पाई बाय टू है तो पाई बाय टू प्लस एच, तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू था, अगर एक्स के जगह पाई बाय टू प्लस एच पुट किया तो लिमिट बन जाएगा एच टेंड्स टू जीरो, क्या सीखा नहीं था,
भाई जवाब नहीं आ रहा है तुम लोग का, कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो तुम, जैसे जा रहा है कमेंट बॉक्स में जवाब दो, हाँ सर ये जानते हैं ठीक है, तो मेरे को लगेगा बढ़िया है ना। तो लिमिट एक्स टेंस टू ये होता है ना बच्चा, आर एफ एक्स रहता है, अगर एक्स की जगह पर बच्चा ए प्लस एच पुट करते हैं तो ये लिमिट एच टेंस टू जीरो बन जाता है, एक्स टेंस टू ए की जगह क्या बन जाता है एच टेंस टू जीरो, और एक्स की जगह कौन आ जाता है ए प्लस एच, ये जानते हो आप। तो ये एच टेंस टू जीरो बना, देखो वन माइनस साइन एक्स का जगह पे पाई बाई टू प्लस एच आया, और कॉस एक्स के जगह पे पाई बाई टू प्लस एच आया, ये आप नोट कर लो साइड वाला, मैं इसको साफ करूंगा, कर लिया नोट, कॉपी पोज करके वीडियो पोज करो और कॉपी करो, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें। लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन माइनस साइन पाई बाई टू प्लस एच, कॉस बन जाएगा एच डिवाइडेड बाय कॉस पाई बाई टू प्लस एच, आप जानते हो माइनस साइन एच बनेगा, थर्ड सेकेंड क्वार्टर में जा रहा है। अब देखो बच्चा लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन माइनस कॉस एच को लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर एच बाई टू, कोई दिक्कत, और माइनस साइन एच को लिख सकते हैं टू साइन एच बाई टू इंटू कॉस एच बाई टू, बहुत बढ़िया बात, तो एक साइन एच बाई टू इससे इससे उड़ जाएगा, टू से टू उड़ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस में बचा साइन एच बाई टू बटे कॉस एच बाई टू टेन एच बाई टू। अब देखो डिनोमिनेटर में कुछ जिंदा है ही नहीं, अगर एच की जगह जीरो पुट कर दें बाला तो टेन ये जीरो बन जाएगा, और टेन जीरो होता है जीरो, तो इसका आंसर आया जीरो, आंसर जीरो हो सकता है, आंसर जीरो हो सकता है ठीक है, कोई दिक्कत बालक यहां तक। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं, अब हम लोग देखते हैं बाकी वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या हो रहा है। जैसे बालक ये क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर टेन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय टेन एक्स माइनस एक्स, टेन एक्स माइनस एक्स कैसे करा जाए भाई, फॉर्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन बटे एक्स होता है वन ठीक है, ऐसा होता है, तो अब कैसे किया जाए, ई टू द पावर टेन एक्स है लेकिन यहां माइनस वन नहीं है, सर कोई बात नहीं माइनस वन नहीं हम ले आएंगे, कैसे लाएंगे माइनस वन अपने से कर देंगे और फिर प्लस वन कर देंगे बैलेंस हो जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर टेन एक्स हम लोग को चाहिए इस फॉर्म में या माइनस वन चाहिए, तो लो माइनस वन दे दिया, लेकिन हम अपने घर से माइनस वन किए हैं अपने से माइनस वन किए हैं, तो उसके लिए बच्चा प्लस वन भी करना पड़ेगा ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए, और फिर क्या है माइनस ई टू द पावर एक्स, नीचे तो कुछ नहीं किए हैं टेन एक्स माइनस एक्स रहने दो, समझ में आ गया बात, हम लोग ऐसा बनाने के लिए ई टू द पावर एक्स माइनस वन के लिए मतलब ई टू द पावर टेन एक्स अगर माइनस वन चाहिए था तो हमने माइनस वन कर दिया और प्लस वन अपने से कर दिया, और ये माइनस ई टू द पावर एक्स दिख रहा है ठीक है। आप देखना बच्चा आराम से देखना ए टू द पावर टेन एक्स माइनस वन एक साथ रखा, और बच्चा अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं इन दोनों में से तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा और ये प्लस का माइनस बन जाएगा, इस तरह से यहां भी बढ़िया दिख रहा है, डिवाइडेड बाय बच्चा टेन एक्स माइनस एक्स हो गया क्या। आगे देखो बच्चों आगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, अच्छा आप लोग को बताया गया था कि जो यहां है सर वही यहां रहना चाहिए, जो यहां है वही यहां रहना चाहिए, आप ये क्वेश्चन को रटने मत जाना, देखो आप 12th क्लास में हो, क्वेश्चन कराने का मेरा मतलब है कि इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई किया जाए,
ठीक है, आप ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको ये देखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी में ये क्वेश्चन हो भी सकता है और ये वाला नहीं भी हो सकता, लेकिन ये फॉर्मूला एक कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि जो ऊपर में है वही नीचे होना चाहिए, और लिमिट पुट करने के बाद जीरो हो जाए तो इसका वैल्यू वन होता है, इस फॉर्मेट का वैल्यू क्या होता है, वन। तो यहां पर देखो ई के कपार पे टेन एक्स है बालक, ई के कपार पे कौन है टेन एक्स, तो इसके नीचे टेन एक्स रहना चाहिए, तो मैंने अपने से टेन एक्स से डिवाइड कर दिया, और बच्चा अगर टेन एक्स से अपने से डिवाइड करते हैं तो हम लोग सीखे हैं कि मल्टीप्लाई भी करते हैं, क्या देखो बन गया क्या माइनस, यहां पर बच्चा ई टू द पावर एक्स, ई के ऊपर में क्या एक्स, तो नीचे क्या होना चाहिए एक्स, तो एक्स से अपने से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, पूरा बटा ये काम ऊपर में किए और बटा था और नीचे क्या है टेन एक्स माइनस एक्स। अब बढ़िया से देखना बच्चा कि अगर लिमिट पुट करते हैं ई के ऊपर में जो है वो नीचे, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है कि लिमिट पुट करने के बाद ए भी जीरो बन जाना चाहिए, ए भी जीरो बन जाना चाहिए, लिमिट में एक्स टेंड्स टू जीरो है तो एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो टेन जीरो जीरो होता है, मतलब तो यहां भी जीरो बन रहा है यहां भी जीरो बन रहा है, इसका मतलब बालक की ये जो बॉक्स में ये वन बन जा रहा है, और ये तो डायरेक्ट वही दिख रहा है तो ये भी क्या हो गया वन, और ये वन बन जाने के बाद देखो आपके पास जो बच गया वो क्या बचा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन इंटू टेन एक्स, मतलब टेन एक्स माइनस वन इंटू एक्स, एक्स डिवाइड बाय टेन एक्स माइनस एक्स, ओ That is very good, excellent. दोनों कट गया, आंसर क्या आया One. तो आपने सीख गया कि इस फॉर्मूले का हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस। सबसे पहली बात है कि ये वन होता है, लेकिन अगर कल को यहां कुछ भी रहे लिमिट एक्स टेंस टू ये रहे, ऊपर में जो है वही नीचे रहना चाहिए, और ये लिमिट पुट करने के बाद ऊपर भी जीरो बनना चाहिए नीचे भी जीरो बनना चाहिए तो ये वन हो जाता है, लेकिन यहां ध्यान रखना माइनस वन होता है, नहीं है तो इस तरह से आप बनाने जानते हो कि अगर ई टू द पावर टेन एक्स है, मान लो जो भी ए टू द पावर एक्स है माइनस वन नहीं गिवन है तो माइनस वन अपने से जोड़ो माइनस करो और अपने से घटा दो, वन को माइनस कर दो और वन को प्लस कर दो, ठीक है राइट डाउन आप लोग कॉपी कर लो बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन लॉग थ्री ऑफ थ्री एक्स, और पावर में है लॉग थ्री विद बेस एक्स, लॉग थ्री विद बेस एक्स, क्या जी बड़ा भयानक क्वेश्चन लग रहा है तुम लोग को, आज तक तो लग रहा है क्या पढ़ा है लोग ने फॉर्मूला बच्चा कि सर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एल एन वन प्लस एक्स बटे एक्स वन होता है, अच्छा लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है बालक, एक फंक्शन के कपार पे दूसरा फंक्शन है, तो बच्चों मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, अगर आप लोग को मालूम होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ये एफ एक्स के पावर जी एक्स रहे ना, तो आप इसको ऐसे लिख दो ई के कपार पे ले चलो, ई के ऊपर में ले चलो पूरे को, लिमिट एक्स टेंड्स टू ये एफ एक्स माइनस वन कर दो एफ एक्स माइनस वन, और ये जो कपार पे ना इसको इनटू में जी एक्स कर दो, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है वेरी इंपॉर्टेंट इस तरह के फंक्शन को लिमिट निकालने के लिए, और ये किसके लिए है जब ये वन टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म बने, ठीक है कॉपी कर लेना आप इसको। चलो बच्चों देखो ऐसा ही तो दिख रहा है लिमिट एक्सटेंड्स टू वन, अच्छा यहां एक चीज देखो तो यहां दो फंक्शन मल्टीप्लाई थ्री और एक्स, तो आप लोग जानते हो कि log a इंटू बी जो होता है, अगर यहां बेस मान लेते हैं m है तो log a सेम बेस प्लस
log b विद बेस m हो जाएगा कि नहीं। तो हम लोग यहां इसको लिख सकते हैं log 3 विद बेस 3 प्लस log x विद बेस 3। एक प्रॉपर्टी और जानते हो कि यहां देखो log का बेस 3 है लेकिन यहां बेस x है, तो हम लोग को बचपन में सिखाया गया log a विद बेस b इज इक्वल टू होता है log b विद बेस a, मतलब बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो बालक हम इसको लिख सकते हैं log x 1 बटे log x विद बेस 3। देखो इसको और इसको यहां फिट करो, देखो फिट करके देखो फॉर्मूला में बन जाएगा। और एक चीज और जानते हैं हम लोग बच्चा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में क्या है, इधर जो लिखा जा रहा है जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है ये इधर जो दिख रहा है आपको, ये तो आपका फॉर्मूला होता है यहां, वैसे ये वाला लगने नहीं जा रहा है, लेकिन आप एक चीज जानते हो ना लॉग ए विद बेस ए 1 होता है, मतलब बेस और नंबर स्वयं में लॉग का तो 1 होता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 यहां पर देखो, यहां भी 3 यहां भी 3 1 हो गया, और ये log x विद बेस 3 और बालक वहां देखो 1 पे 1 डिवाइडेड बाय log x विद बेस 3। एक काम करते हैं लिमिट हम लोग पुट करके देखते हैं, अगर x 0 पुट करते हो तो बेस कितना है ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 है ना, तो log का ग्राफ जो होता है बालक ये होता है किसका, जब बेस ग्रेटर देन 1 हो। तो x टेंड्स टू 0 अगर 0 रख दें, अगर x का वैल्यू 0 रख दें तो देखो ये कितना आ रहा है इधर, यहां पर ये कितना आ रहा है x टेंड्स टू 0 पे ये log x जो है माइनस इनफिनिटी दे रहा है, माइनस इनफिनिटी, और ये कितना दे रहा है 0, यानी इस फॉर्म में जा रहा है क्या, इस फॉर्म में जा रहा है क्या, देखो क्या बच्चों ये फॉर्म में जा रहा है क्या, लग रहा है ऐसा, लेट्स सी चेक करो। तो बन रहा है 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म, क्या 0 पुट करें, अरे रे 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 यहां x टेंड्स टू 1 है, हमने क्या लिख दिया है x टेंड्स टू 0, इसको 1 बनाते हैं, सही करो क्वेश्चन को, यहां क्वेश्चन तो सही था इधर गड़बड़ किए थे। अगर हम लोग x की जगह पर 1 पुट करें तो ये 0 बन जा रहा है, तो 1 प्लस 0 1, ये 1 बन रहा है, पूरा पूरा सिस्टम ये 1 बन रहा है, गंदा नहीं करते हैं, देख लो 1 बन गया, और ये 1 log 1 0 हो गया, तो 1 बटे 0 क्या होता है इंफिनिटी, इसका मतलब ये पूरा सिस्टम 1 टू द पावर इंफिनिटी बन रहा है। और जब भी 1 टू द पावर इंफिनिटी बने तो ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है, क्या करना है, ये जो लिमिट है उसको e के ऊपर ले जाना है, तो e के ऊपर ले गया लिमिट x टेंड्स टू 1, fx देखो 1 प्लस log x 3 है, fx क्या है, fx के जगह पे ये वाला है पूरा, लेकिन जैसा फार्मूला अप्लाई करते हैं तो माइनस 1 हो जाता है, तो यहां माइनस 1 कर दिया, और इनटू ये वाला जो ऊपर में है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो 1 बटे log x विद बेस 3। यहां से बच्चों ये और ये कट गया, और ये कट जाने के बाद यहां क्या बच रहा है log x विद बेस 3, और देखो इसी के डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है log x विद बेस 3, तो ये भी और ये भी उड़ गया, तो आपके पास बच गया e के ऊपर में लिमिट x टेंड्स टू 1, और कुछ भी नहीं बचा है केवल 1 बचा है, तो ये e टू द पावर 1, और आंसर क्या आ गया, ये आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अप्लाई कर सकते हो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो, ठीक है बच्चों कोई दिक्कत, कॉपी कर लीजिए है ना। देखो एक दो दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं, अगर इसका 12th क्लास के बच्चों के लिए तो थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है, अभी बरसात का मौसम चल रहा है ना, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा लाइट का प्रॉब्लम है बच्चों। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस पे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय
2x स्क्वायर प्लस 3 का पावर में है 4x स्क्वायर प्लस 2। लेट्स सी, प्लस 2 लिखा हुआ है, ये प्लस 2 है। हाँ भाई, x टेंड्स टू इंफिनिटी है, एक बार और चेक कर लें, x टेंड्स टू इंफिनिटी, वेरी गुड, x टेंड्स टू इंफिनिटी है क्वेश्चन में। अगर यहां इंफिनिटी रखें x की जगह तो इंफिनिटी माइनस 1 इंफिनिटी बनेगा और इंफिनिटी प्लस 3 क्या बनेगा, इंफिनिटी। अगर इसको देखो तो ये लगभग टेंड्स टू 1 हम लोग मान सकते हैं, ऐसा चल सकते हो, ठीक है, ऐसा मान करके हम लोग चल सकते हैं टेंड्स टू 1। अब ये क्या है, यहां x की जगह इंफिनिटी रखोगे तो ये इन्फिनिटी प्लस 2 इन्फिनिटी बन जाएगा कि नहीं, 1 टू द पावर ये इन्फिनिटी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब ऐसा कर रहा है, इसको जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, तो लिमिट x टेंड्स टू, इसको हम लोग सॉरी, अगर ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी बन रहा है तो अभी जो फॉर्मूला यहां पर लिखा गया था कि पूरे फंक्शन को e के कपार पे ले चलो, तो e के ऊपर में पूरे लिमिट को ले गया x टेंड्स टू इन्फिनिटी फंक्शन, ये fx है 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, fx हो गया ये fx माइनस 1 इंटू, और ये इंटू में आ जाता है कि मल्टीप्लाई में, जो ऊपर में वो मल्टीप्लाई में आ गया। बहुत बढ़िया तरीके से हम क्या करेंगे, ये e के ऊपर में है, यहां हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3 एलसीएम आएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा और इंटू 4x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। बढ़िया से देखो तो ये और ये कट रहा है बच्चों, तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है और इधर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 2। अब अगर इसका देखो, ये इसको और इसको देखो, अभी भी अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी, ये अब आ गया इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म में ऊपर में, और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस माइनस 4 को हम बाहर कर लें बच्चों, तो माइनस 4 बाहर हो गया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये 4x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 3 दिख रहा है। आप लोग बचपन में सीखे हो क्या चीज, कि अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहे, 11th क्लास में, अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहे तो हाईएस्ट कोफिशियंट को कॉमन ले लेना, हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल को कॉमन ले लेना। अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो जिस वेरिएबल का डिग्री ज्यादा है, मतलब ज्यादा डिग्री वाले को कॉमन ले लो, डिग्री जैसे यहाँ x स्क्वायर और x स्क्वायर यहाँ भी है तो ऊपर नीचे से x स्क्वायर का कॉमन ले लेंगे। ऐसा कब करते हैं, जब रैशनल फंक्शन हो, पॉलिनोमियल बटे पॉलिनोमियल हो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, तो हाईएस्ट पावर वाले x को कॉमन लेना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने सीखा है। तो e टू द पावर माइनस 4 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां से x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 4 बचा और प्लस 2 बाय x स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे से भी x स्क्वायर कॉमन लिया तो बच गया 4 प्लस 3 बाय x स्क्वायर, ये x स्क्वायर कट गया, e टू द पावर में माइनस 4 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। और देखो अब एक जो बच रहा है, क्या बच रहा है, 4 प्लस 2 बाय x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 बाय x स्क्वायर, यही बच रहा है। अगर लिमिट पुट करते हैं बच्चों तो हो क्या है, लिमिट पुट करने के बाद 4 प्लस 2 बटे इन्फिनिटी बन जा रहा है डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 बटे इन्फिनिटी बन जा रहा है, ऐसा बन रहा है कि नहीं। और बच्चों अगर ऐसा बन रहा है तो आप एक चीज देखो, ये 2 बटे इन्फिनिटी 0 होता है, 3 बटे इन्फिनिटी भी 0 होता है, तो e टू द पावर माइनस 4 इंटू क्या हो रहा है 1, तो e टू द पावर माइनस 4 ये हमारा आंसर हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, ये आंसर हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां अगर हम लोग x स्क्वायर को कॉमन लिए तो यहां क्या बचेगा, यहां 2 बचेगा ना, तो यहां 2 रहेगा, यहां 2 रहेगा, आंसर चेंज होगा, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है, बच्चे लोग बोल रहे हैं कुछ गड़बड़ हुआ है सर, तो ये 2 रहा, तो यहां जो कट के बचेगा ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 बनेगा और ये भी 0 होगा, तो 4 बाय 2 क्या कितना आ जाएगा 2, और इस तरह से क्या होगा माइनस 8। यानी अगर x स्क्वायर हम लोग कॉमन लिए थे ना यहां से, तो नीचे क्या बचता 2, जो गलती से क्या लिखा गया था 4 लिखा गया था,
बच्चों आप लोग को एक चीज पता है, देखो ये कॉन्सेप्ट अगर यहां पर नहीं समझ में आया तो एक चीज आप लोग को मैं बता देता हूं इन शॉर्ट में, कि तुम लोग को याद होगा कि लिमिट अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी है और जैसे यहां 3x क्यूब है प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 x टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहां 4x क्यूब है माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ऐसा मान लो, तो ऊपर भी पॉलिनोमियल रहे और नीचे भी पॉलिनोमियल रहे और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रहे, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल मतलब रैशनल फंक्शन रहे और लिमिट क्या रहे x टेंड्स टू इंफिनिटी। अरे ये पढ़ा था x टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर 11th क्लास को याद करो तो मैंने ऐसा बताया था हेडिंग डाल, आपको क्या सिखाया गया था कि उस x को बाहर कर लो, कॉमन ले लो, जबरदस्ती कॉमन लेना है, नहीं भी आ रहा तब भी कॉमन लेना है, किसको, जिसका पावर ज्यादा है, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। आप सोच लो एक क्वेश्चन है ये, यहां से एक्स क्यूब बाहर कर लेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा पावर वाला यही वाला एक्स क्यूब है, यहां एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स है तो यहां थ्री बचेगा, यहां एक्स स्क्वायर है लेकिन हमने एक्स क्यूब बाहर किया है तो एक एक्स कम है ना, तो यहां एक एक्स से डिवाइड करेंगे, यहां एक्स है यहां दो एक्स कम है, अगर एक्स क्यूब से निकालें यहां थ्री बाय एक्स क्यूब, इस तरह से ये बनता है और आप लोग जानते हैं। यही क्लास अगर 11th क्लास के लिए रहता तो मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाता और जितना मैं अभी तक बता के खत्म कर दिया वो कम से कम 3 से 4 क्लास में ले जाता। यहां से एक्स क्यूब कॉमन लिया तो 4 बचा, यहां 4 बाय एक्स बच जाएगा डियर, और यहां क्या बचेगा 2 बाय एक्स स्क्वायर, और यहां बच जाएगा 5 बाय एक्स क्यूब। कॉमन लेने तो जानते ही हूं, ठीक है, 11th में बहुत ज्यादा सिखाया गया होगा, चाहे वो बच्चा मेरे पास पढ़े या नहीं पढ़े उससे कोई मतलब थोड़ी था, सिलेबस में था, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। अब अगर हम लोग लिमिट पुट करते हैं बच्चों, चलो लिमिट पुट करते हैं x टेंड्स टू इंफिनिटी, x की जगह इंफिनिटी पुट करते हैं, 3 प्लस 4 बाय इंफिनिटी प्लस 5 बाय इंफिनिटी का स्क्वायर, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी होता है तो 5 बाय इंफिनिटी बन गया, 3 बाय इंफिनिटी का क्यूब इंफिनिटी होता है, बटे 4 माइनस 4 बाय इंफिनिटी, 2 बाय इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, और 5 बाय इंफिनिटी का क्यूब 5 बाय इंफिनिटी ही बनेगा। ये देखो समथिंग बटे इन्फिनिटी होता है, समथिंग बटे इन्फिनिटी ये जीरो होता है, समथिंग बटे इन्फिनिटी जीरो होता है तो 3 प्लस सब जीरो हो जाएगा और इधर 4 और ये सभी जीरो हो जाएंगे तो माइनस, यानी आंसर क्या आ गया 3/4। यहां पर यही कॉन्सेप्ट हम लोग अभी लगाया था। ओके बच्चों, तो अभी तक आपने जो देखा वो कौन सा लिमिट था, फॉर्मूलाज।